नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और आप सभी देख रहे हैं सत्यम चौरसिया एमबीए वाले। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एफएमसीजी कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर हम कैसे बने, जैसे कि पीएनजी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, पतंजलि है और सारी बहुत सी कंपनियां, आईटीसी है, इसके डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बने। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों ने आपको बताया होगा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जाइए, उनके पोर्टल पे ऑनलाइन अप्लाई करिए। तो दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आप अप्लाई तो कर देते हैं बट रिस्पॉन्स नहीं आता होगा, या माइट भी रिस्पॉन्स आता होगा तो उस तरह से वो क्वेरी आगे नहीं बढ़ पाती होगी। क्यों? क्योंकि वो बस वहां से वो एप्लीकेशन लेते हैं और जिस एरिया में उन्हें कुछ कोई लेने को नहीं तैयार होता डिस्ट्रीब्यूशन, वहां पे उस एप्लीकेशन पे कॉल करके और उधर के डिस्ट्रीब्यूटर देते हैं। बेसिकली आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो आपको करना क्या होगा कि उस कंपनी का जो सेल्स पर्सन है, सेल्स हेड जो है, एरिया का हेड है, उससे आप मिलिए और बात करिए कि सर आपके सिटी में या फिर आपके अप्रोक्स आसपास में कोई ऐसी जगह है जहां पे हम डिस्ट्रीब्यूटर ले सकते हैं। तो वो आपकी बात जो है वो स्टेट हेड तक पहुंचाएगा, कंपनी तक पहुंचाएगा, तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनने का मौका जो है बहुत ही आसानी से मिल सकता है। वो आपको इन्वेस्टिंग कैपेसिटी बता देगा, वो आपको, क्योंकि उनके पास होता है टारगेट और वो ऐसे लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर बनाना चाहते हैं जो सेल्समैन है या फिर सेल्स हेड है, जो कि बहुत अच्छे लेवल पे काम कर पाए, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर पाए और उसके पास अच्छा गोडाउन हो, डिलीवरी व्हीकल्स हो, उसका जो मार्केट में क्रेडिट है वो भी बहुत तगड़ा होना चाहिए। तो लोग ऐसे लोगों को ही डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं। तो दोस्तों वो लोग क्या है कि ऐसे लोगों को मार्केट में वो देख रहे हैं कि किसको हम बनाएंगे तो वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि आपके एरिया में जिसके पास एक एजेंसी होगी उसके पास बहुत सारी होगी और जिसके पास नहीं होगी उसके पास नहीं होगी, क्योंकि उन्हें पता है कि वो दूसरी एजेंसी का जितने भी उसके पास काउंटर्स हैं उन काउंटर्स पे वो इनके प्रोडक्ट को भी पोस्ट करके बेच सकता है। इस वजह से वो करते क्या है कि जो बंदे ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, किसी न किसी कंपनी के दो चार डिस्ट्रीब्यूशन चला रहे हैं, वो उसी बंदे को डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं क्योंकि उनके पास काउंटर ज्यादा होती है, उनकी सेल ज्यादा होती है, उनके पास फुटफॉल ज्यादा होती है, गांव से भी बहुत सारे रिटेलर्स आते हैं, तो इस वजह से वो उन्हीं को ही बनाते हैं क्योंकि वो एक स्टार्टिंग से ही वो अच्छा सेल देंगे। और नए बंदे को बनाने का मतलब कि शुरू में उनके साथ बहुत लगना पड़ेगा, उसके बाद भी वो सेल दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। तो दोस्तों अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो ऑनलाइन के माध्यम से आप कम ध्यान दीजिए, ऑफलाइन उनके सेल्समैन, स्टेट हेड या फिर सेल्स एग्जीक्यूटिव जो भी हैं उनसे आप बात करिए, उनसे कांटेक्ट करिए, वो ही आपकी बात को है कंपनी तक पहुंचा पाएंगे। अगर आपके एरिया का जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो वो ही उनका ही डिसीजन होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर इसको हटा के अब दूसरा चेंज करना है, क्योंकि वो बताते हैं कि ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, ऑर्डर नहीं लगाता है, टाइम पर डिलीवरी नहीं देता है रिटेलर्स को, तो उसकी वजह से वो जब चेंज करने को वो बोलते हैं तो फिर उन्हीं से पूछा जाता है कि उस एरिया में कोई ऐसा बंदा बताओ जो आप, जो इस कंपनी का अच्छा से सेल्स कर पाए, कौन सा अच्छा इंसान है जो अच्छी पूंजी और अच्छी कैपेसिटी के साथ अच्छे से इसका डिस्ट्रीब्यूशन चला पाएगा, तो वो ही रिकमेंड करते हैं और उसी पे दिया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोस्तों ऑनलाइन के पोर्टल के थ्रू आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट ना रहिए, आप अपने एरिया के जो भी स्टेट हेड है या फिर सेल्समैन है जिससे भी आप कॉन्टेक्ट करते हैं उससे बात करिए। तो होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आएगी कैसे आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। ऑनलाइन की तरफ से बहुत ज्यादा ध्यान ना दें, वहां भी अप्लाई कर दें बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता ही है कि वो आप अपने एरिया के सेल्स हेड से ही बात करें तो जल्दी इजीली आपका काम होता है और वो कंपनी तक आपकी बात पहुंचाते हैं। तो कोई ऐसी नई वीडियो चाहते हैं अगर तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ।